देवताओं के गुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बकरी होंगे। अगले साल 4 फरवरी तक उल्टी चाल से ही चलेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। गुरु की वक्री चाल का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। ये कुछ राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ देंगे तो कुछ राशि के जातकों को अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रमुख स्थान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, उस व्यक्ति को उत्तम विद्या प्राप्त होती है, नौकरी व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलता मिलती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की कोई समस्या नहीं रहती। वहीं देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलदायी हो तो अनेक तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। यही वजह है जब देवगुरु राशि परिवर्तन करते हैं, अस्त या उदय होते हैं, बकरी या मार्गी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के साथ देश दुनिया पर भी देखने को मिलता है। इसलिए इनके गोचर का बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल से चलेंगे। जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री हैं और उत्तम फलदायी हैं तो उनको बहुत उत्तम लाभ देने वाले हैं। अगले 119 दिन गुरु वक्री रहेंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी भाग्यशाली राशि हैं जिन्हें गुरु के वक्री होने के उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा, वाणी की मधुरता से काम बनेंगे, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है और व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल उत्तम फलदायी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा, आय के नए साधन प्राप्त होंगे, अचानक से धन लाभ हो सकता है, नौकरी व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा और परिवार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छी रहेगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे, व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छी रहेगी, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, व्यापार में नए निवेश से बेहतरीन लाभ होगा, रुके हुए सभी काम पूरे होंगे और धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छा परिणाम लेकर आएगी, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में मनचाही सफलता मिलेगी, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, रुका हुआ धन प्रयास से वापस मिलेगा और जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, कैरियर में अपार सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापारियों को मोटा मुनाफा होगा और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु के बकरी होना उत्तम फलदायी होगा, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं, नौकरी व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, अविवाहित लोगों का विवाह पक्का हो सकता है और जीवन में खुशहाली आएगी। इन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का बकरी होना बेहद शानदार रहेगा। इन लोगों को अब 119 दिन लाभ ही लाभ होगा। इस समय पर लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे, नौकरी व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन सभी राशि के जातक सामान्य उपाय के जरिए उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप हर दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और मंदिर में गरीबों को केले का दान करें। इन सामान्य उपाय के जरिए सभी राशि के जातक गुरु के वक्री होने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।